हेलो गाइस, मेरा नाम शिवम है एंड मैं अभी अभी देख करके आया हूँ सत्यमेव जयते 2। तो जैसा कि इसका ट्रेलर लग रहा था देख के कि फिल्म अच्छी होगी, मुझे ट्रेलर पसंद आया था। उसमें जो डायलॉग्स थे, एक्शंस थे, मुझे अच्छा लगा था ट्रेलर में। बट मैं आपको सच बताऊँ, मेरी उम्मीदों पर ये फिल्म बिल्कुल भी खरी नहीं उतरी है। जैसा कि मुझे इसका पार्ट 1 लगा था, उसमें जैसा मनोज बाजपेयी जी ने एक्टिंग किया था, उस प्रकार की एक्टिंग इस फिल्म में किसी ने भी नहीं किया है। पार्ट 1 की जो स्टोरी थी, जो उसमें यूनिक एक्शन था, वैसा कुछ भी नहीं इस फिल्म में। तो अगर आप सोच रहे हैं कि पार्ट 1 जैसा फिल्म होगा, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। फिल्म में मुझे कुछ प्लस बात लगी जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा। इस फिल्म का एक गाना कुसु कुसु, वो मुझे अच्छा लगा। फिल्म में कुछ कुछ सीन्स अच्छे हैं जो कि आपको देखेंगे तो देशभक्ति की भावना आप में जगा सकते हैं। बट अगर नेगेटिविटी की बात करें कि फिल्म में क्या बुरा है, तो मैं कहूँगा इसका डायलॉग्स इरिटेटिंग है। इतना डायलॉग्स फिल्म में भरा गया है, हर 10 सेकंड में आपको भारी भरकम डायलॉग सुनने को मिलेगा, जो कि कहीं ना कहीं एक पॉइंट के बाद आपको इरिटेट जरूर करेगा। फिल्म का जो सेकंड नेगेटिव मैं बात करूँ, तो ओवर द टॉप एक्शन है। क्लाइमैक्स में एक सीन है जहाँ पर ये हेलीकॉप्टर दिखाया गया है, जॉन अब्राहम उस हेलीकॉप्टर को पकड़ा हुआ है और वो हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार का इसमें ओवर द टॉप एक्शन दिखाया गया है। एंड एक सीन में और आपको बताना चाहूँगा, इसमें एडिटिंग भी फिल्म का ख़राब है। एक सीन है जहाँ पर ही जॉन अब्राहम की जो मॉम है, उसको कोमा में से होश आ जाता है। ये कोई स्पॉइलर नहीं है, बस आपको बता रहा हूँ। तो कोमा में जब उसको होश आता है, वो एक्चुअली घर पे होती है। एंड जो जॉन अब्राहम और उसकी फैमिली है, वो एक मंदिर में पूजा कर रहे होते हैं। 1 सेकेंड में माँ घर से मंदिर पहुँच जाती है, कोमा में 20 साल से है। ना तो उसको पता है कि वो कहाँ है, ना तो उसको पता है कि उसके बच्चे कहाँ है, बट 1 सेकंड में घर से मंदिर। तो ये डायरेक्टर साहब ही बता सकते हैं कि भाई फिल्म में उन्होंने क्या दिखाने की कोशिश की है। ऑडियंस तो पता नहीं अब कैसे समझे इस टाइप की स्टोरी को। और जो तीसरा मुझे नेगेटिविटी लगा इस फिल्म का, तो मैं कहूँगा कि जो आपका ओवरऑल स्टोरी है, वो बहुत ही वीक है। आपको कन्विंसिंग बिल्कुल भी नहीं लगता इसका, कि जो स्टोरी आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि हाँ जो हो रहा वो सच्चाई है। ओवर द टॉप स्टोरी है, कोई भी कुछ में रियलिस्टिक सीन नहीं है। तो बिल्कुल भी मैं कहूँगा स्टोरी में मज़ा नहीं आया। टुकड़ों टुकड़ों में फिल्म को जोड़ जोड़ के बनाया है। एंड फिल्म का जो पेस है, वो भी फास्ट है, बट टुकड़े टुकड़े में फिल्म है। तो अगर आप देखना चाहते हैं फिल्म, तो आप देख सकते हैं, 1 टाइम वॉच है। एंड आप अगर जाना चाहते हो, आप जा सकते हैं।